तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डेटा समराइजेशन की फॉर्मूले। लास्ट क्लास में हमने बताया था सम इफ के बारे में, मैंने बताया था आपको, जैसे कि पूजा है हमारे पास, तो पूजा का टोटल कैसे करेंगे, तो इसके लिए हमने सम इफ का यूज किया था। सम इफ, रेंज, क्राइटेरिया हम बात करते हैं कि मुझे एवरेज का, चलिए बारे में जानते हैं कि एवरेज क्या होता है। एवरेज की मैथमेटिक्स में बात करते हैं सम ऑफ द वैल्यू डिवाइड बाय काउंट ऑफ द वैल्यू। जैसे मान लीजिए पूजा का टोटल सेल तो 884 है, लेकिन मुझे पता करना है कि एवरेज सेल क्या है, क्योंकि तो इसने कई सारे बिल्स यूज किए है ना, तो एवरेज बिलिंग उसकी क्या है। तो उसके लिए अगर मुझे ओवरऑल का एवरेज निकालना है तो यहाँ पे एवरेज का फॉर्मूला लगाएंगे और ओवरऑल फॉर्मूला निकाल लेंगे, जिसमें आपने देखा होगा कि एक एवरेज ए भी था। अब एवरेज ए क्या करता है, तो जैसे कि अगर हम कोई नंबर यहाँ बताते हैं, एवरेज और एवरेज ए में क्या डिफरेंस है ये आपको चलिए समझा रहे हैं। दस हमने लिखे हैं, 10 लिखा हुआ है, एवरेज आप लगाते हैं तो इसका एवरेज 10 ही आएगा। अगर बीच में कहीं भी हमने ट्रू डाल दिया फिर भी हमारा एवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जैसे ही आप एवरेज ए यूज करते हैं आपको फर्क पड़ जाता है, 9.1 आया, क्योंकि इसने क्या किया, वन ट्रू को वन समझा और 91 को उसने 9 से डिवाइड कर दिया, 9.1 आपके सामने दिख रहा है। तो एवरेज क्या होता है, ये आपको ट्रू एंड फॉल्स को इग्नोर करता है। एवरेज ट्रू एंड फॉल्स को इग्नोर करता है, और एवरेज ये क्या करता है, ये आपका ट्रू एंड फॉल्स को कंसीडर करता है। तो दोनों में यही डिफरेंस है। अगर मुझे सिर्फ पूजा का एवरेज चाहिए तो मैं यहाँ पे एवरेज इफ का इस्तेमाल करूंगा, जैसे हमने सम इफ का इस्तेमाल किया था। तो यहाँ पे हम देंगे रेंज, फिर देंगे यहाँ पे क्राइटेरिया, और फिर देंगे यहाँ पे हमारा सम रेंज, एवरेज रेंज सॉरी, और यहाँ पे आपका एवरेज निकल जाएगा। और एवरेज में भी आप ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू जैसे सिंबल यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमने कल बताया था सम इफ में। जैसे मुझे ग्रेटर देन 50 का एवरेज निकालना है तो यहाँ आप एवरेज ए इफ का, सॉरी एवरेज इफ लीजिए, और यहाँ पे आप अपना कॉलम सेलेक्ट कर लीजिए, और यहाँ पे कंडीशन क्राइटेरिया। एवरेज रेंज सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि क्राइटेरिया रेंज और एवरेज रेंज दोनों एक ही है। क्या आ गया आपका, सेम उसी तरह से आप स्टेट की जो होता है, जैसे कि ये स्टार वाला सिस्टम है वो भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि अगर पूजा है या पूजा सिंह है, सबको एवरेज निकाल दे। मल्टीपल कंडीशंस की बात रही, जैसे मान लीजिए मुझे पूजा का एवरेज चाहिए जिसकी ग्रेटर देन 50 का से, तो मल्टीपल कंडीशन मतलब एक से ज्यादा कंडीशन के लिए हम यूज करते हैं सम इफ्स का फॉर्मूला। जी हाँ, सम इफ्स, सम इफ्स में आपको, सम इफ्स माफ कीजिएगा, एवरेज इफ्स, सम तो कंपन पढ़ चुके हैं ना, एवरेज इफ्स का फॉर्मूला। एवरेज इफ्स में हम क्या करते हैं कि अपना एवरेज रेंज को सिलेक्ट कर लेते हैं, देन क्राइटेरिया वन, और क्राइटेरिया को सिलेक्ट कर लिया, क्राइटेरिया ए होगा क्राइटेरिया हमारा, एंड क्राइटेरिया टू, एंड दूसरी क्राइटेरिया को सिलेक्ट कर लिया। तो आपके सामने यहां पे क्राइटेरिया आ गया, ठीक है सर। तो ये आपका क्राइटेरिया आ गया। इसमें आगे बढ़ते हैं, इसमें अगला टॉपिक अब आता है काउंट का। देखिए काउंट के भी कुछ फॉर्मूले होते हैं हमारे पास,
जैसे काउंट, ये सिर्फ नंबर को काउंट करता है, टेक्स्ट को इग्नोर कर देता है। काउंट ए, ये नंबर एंड टेक्स्ट दोनों को काउंट करता है ब्लैंक को छोड़ के। और नेक्स्ट आता है काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक क्या करता है कि सिर्फ ब्लैंक को काउंट करेगा और फिल सेल को काउंट नहीं करेगा। लेकिन मुझे कंडीशनल काउंट चाहिए, जैसे मुझे काउंट चाहिए कि पूजा का तो आखिर जो 884 है कितना बिलिंग से आया, कितना बिल है इसके, तो उसके लिए हम काउंट इफ का इस्तेमाल करेंगे और हम यहाँ पे पूजा को सिलेक्ट कर लेंगे। 20 आ गया। और काउंट इफ में भी हम ये सारे कंडीशंस इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि मुझे ग्रेटर देन 50 काउंट करना है तो काउंट इफ, और हम यहाँ इसको सिलेक्ट किया कंडीशंस और ये ग्रेटर देन 50 हमने ले लिया। और अगर आपके पास मल्टीपल कंडीशन हो जैसे पूजा ग्रेटर देन 50, तो वहां पे हम काउंट इफ्स का IFS का इफ्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम क्राइटेरिया लेंगे, रेंज लेंगे, क्राइटेरिया लेंगे, फिर क्राइटेरिया 2 रेंज लेंगे एंड क्राइटेरिया 2 लेंगे, ऐसे 3, 4, 5 कंटिन्यू कर सकते हो। ये आ गया। और चाहे वो सम इफ हो, चाहे वो काउंट इफ्स हो, चाहे वो आपका एवरेज इफ्स हो, ये सारे कंडीशंस उसमें भी यूज किए जा सकते हैं। तो राकेश जी और विक्की गोयल जी, कोई डाउट इसमें? नहीं सर, डाउट नहीं सर। ठीक है सर, हम बात करते हैं मैक्सिमम की। जैसे कि आपने मैक्सिमम, मुझे इसकी मैक्सिमम सेल्स चाहिए, तो यहां से आप इसकी मैक्सिमम वैल्यू ले सकते हैं कि हाँ इसकी मैक्सिमम 90 सेल है। एक और फॉर्मूला है मैक्स ए, तो ध्यान रखिएगा मैक्स और मैक्स ए सिर्फ सिमिलर आपका एवरेज और एवरेज ए है। मैक्स ए आपका ट्रू फॉल्स को भी कंसीडर करता है, ट्रू को 1 एंड फॉल्स को 0, एंड मैक्स नहीं करता है। लेकिन मुझे पता करना है कि पूजा की मैक्सिमम क्वांटिटी क्या है, तो उसके लिए यहाँ पे हम मैक्स IFS, मैक्स इफ नहीं है, मैक्स IFS लेना पड़ता है। मैक्स रेंज हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, क्राइटेरिया 1 रेंज ए आ गया और क्राइटेरिया ए आ गया, तो ये आपका 82 आ गया। सेम उसी तरह से अगर मल्टीपल कंडीशन हो तो मैक्स इफ का इफ IFS इफ्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैक्स रेंज पहले दे दीजिए, पहली क्राइटेरिया, क्राइटेरिया क्या है, दूसरी क्राइटेरिया और दूसरी क्राइटेरिया क्या है, ये आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। मैक्स इफ का फॉर्मूला लेटेस्ट वर्जन में मिलेगा, ओल्डर वर्जन में मैक्सिमम का फॉर्मूला नहीं। अब मैक्सिमम के बाद अब बात करते हैं कि मुझे पोजीशन के हिसाब से सम चाहिए, जैसे 1, 2, जैसे मैक्स पहला तो 90 आ गया, दूसरे पे क्या है, तीसरे पे क्या है, चौथे पे क्या है, पांचवें पे क्या है, पता करना पोजीशन। तो उसके लिए आपके सामने लार्ज का फॉर्मूला है। लार्ज हमने इसको ले लिया और पोजीशन दे दिया हमने यहाँ पे के पहले नंबर पे, तो पहले नंबर पे 90 था और नीचे ड्रैग कीजिए तो दूसरे नंबर पे 90 और तीसरे पे 89 है। अगर मान लीजिए कि मैं 95 कर दूं तो देखिए पहले पे 95, 92 कर दूं 92, इस तरह से पोजीशन के हिसाब से आपको टोटल देता है। अगर आपको स्मॉल देखना है, मतलब कि नीचे से देखना है, मिनिमम देखना है, तो स्मॉल लगा सकते हैं। स्मॉल में हमने इसको सिलेक्ट किया और पोजीशन से स्मॉल लगा दिया। और जैसे कि आपने मैक्स इस्तेमाल किया है, ऐसे आपके पास मिन भी होता है कि मिनिमम वैल्यू को शो करता है, और मिन ए भी होता है जो कि मिनिमम वैल्यू को शो करता है पर ट्रू फॉल्स को 0, 1 समझता है। और जैसे आपने मैक्स इफ लगाया है, ऐसे आपका मिन इफ्स भी होता है कि आप इसमें मिनिमम रेंज ले लीजिए, क्राइटेरिया 1, क्राइटेरिया, क्राइटेरिया 2, क्राइटेरिया एंड ओके कर दीजिए, ये आपका मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। समझ में आया? तो अभी आपने सीखा एवरेज के फॉर्मूले, आपने सीखे काउंट के फॉर्मूले, आपने सीखे मैक्स के फॉर्मूले और सीखे लार्ज के फॉर्मूले। क्लियर है? तो फॉर्मूला कैटेगरी में मैथमेटिकल तो हम कल ही खत्म कर चुके थे, इसमें अब आता है कुछ जैसे कि स्टैटिकल फॉर्मूला।
अब स्टैटिकल फॉर्म में एवरेज का मैक्सिमम को तो बता दिया, इसके अलावा भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं, लेकिन ये फॉर्मूले स्टैटिक्स को बिलोंग करते हैं, तो इसके बारे में पहले से आपको पता होना चाहिए इसकी मैथमेटिक क्या है। जैसे कि ये देखिए PHI रिटर्न द वैल्यू ऑफ डेस्टिनी फंक्शंस फॉर द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्ट्रीब्यूशन क्या है इसके बारे में पता होना चाहिए, तभी तो इस फॉर्मूले को समझ पाएंगे। तो एक बार आप इन फंक्शन को खुद से स्कैन कर लीजिए, जो जो फंक्शन आपको पढ़ना है उसका लिस्ट बना लीजिए, और फिर हम कल उस पर आपके साथ डिस्कस करेंगे।